Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC civil service preparation. Me and along with my team members are trying to bring you one of the finest quality content that is available free of cost on YouTube. Main aur mere team members aapke saath bahut hi high quality aur saathon saath exam centric aapko understanding dilane ki koshish kar rahe hain. जो आज की तारीख में आप कहीं पे भी YouTube के ऊपर देखोगे तो वो बहुत ही मैं कहूँगा कि बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा कक्षा का आपको ये आपको जो 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 स्किल है वो आपके साथ शेयर की जा रही है. खैर, मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों से डिस्कस कर रहा था वेरियस टॉपिक्स, और जो टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी के ही कंटिन्यूएशन फिर से आर्ट एंड कल्चर को आज के क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. आज का जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है, आज का हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन टुडेज क्लास. तो याद रखेगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन टुडेज क्लास इज दिस ओनली, कि ये हमारा जो सेशन होने वाला है दैट विल बी मेनली बेस्ड ऑन द गुप्ता एज आर्किटेक्चर. अब गुप्ता एज की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने इसके पहले ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद मैंने आपको मौर्य एज के दौरान जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, और इंक्लूडिंग मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में बता दिया था. आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर की शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो हम लोग आज जो सेशन है हमारा गुप्ता आर्किटेक्चर के ऊपर चलने वाला है. जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट न्यूली ज्वाइन किए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सबका मैं वेलकम करता हूँ. अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सिंस लास्ट 6 years, हैव गाइडेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एंड साथ साथ मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट को विजुअली जितना याद करोगे तो उतना ज़्यादा ठीक रहेगा. खैर, मैं अनअकैडमी स्टूडियो राइज के चैनल के ऊपर तो आपको पता ही होगा हिस्ट्री एनसीईआरटीज के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर करा रहा हूँ. आई एम साइमल्टेनियसली टेकिंग ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, मैं प्लस के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ. ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा एक कोर्स जो है वो खत्म हो गया है. आई एम सून लॉन्चिंग नेक्स्ट कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री. 80 आवर्स का टोटल मेरा कोचिंग है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, और 40 सेशन इंटू टू आवर्स ईच मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पे चल रहा है. तो यू कैन इमेजिन कि मैं किस हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव कराता हूँ. दैट इंक्लूड्स द प्री कम मेंस ऑल्सो द आंसर राइटिंग. ओके, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डाउट होगा आप प्लस के कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो. मैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कराने वाला हूँ. मेरे पूरे साल तक मॉड्यूल्स चलते रहेंगे, मतलब अभी हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद एंशियंट एंड मिडिवल, देन प्रीलिम्स तक आते आते हम लोग आर्ट एंड कल्चर करेंगे, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री. मतलब यू कैन इमेजिन कि एक मॉड्यूल मेरा कम से कम जो कोर्स है वो 2 से 2.5 महीना चलता है, एंड थ्रू आउट अगर 6 मॉड्यूल्स अगर आप देखोगे तो पूरा साल तो मेरा हिस्ट्री पीछे चलता ही रहेगा. प्लस के ऊपर आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको मल्टीपल एजुकेटर्स के क्लासेस मिलेंगे. सो यू विल बी एबल टू एक्सेस द वीडियोस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स, आप उनके क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो. इट इज़ लाइक अमेजोन और नेटफ्लिक्स, आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया फिर जितनी बार आपको जो सीरीज मन में आए वो देखो, मेरे हिस्ट्री के देखो, पॉलिटी के देखो, ज्योग्राफी के देखो, आपको जितना भी आ रहा है घर पे बैठे बैठे देखो, ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन देखो, इट्स अप टू यू कि आप करोगे. आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेनिफिशियल है, इट इज़ मोर फ्रूटफुल फॉर यू व्हेन यू अटेंड द लाइव क्लासेज एज वेल. खैर, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई मेरी तरफ से. अदर देन हिस्ट्री, जिन जिन स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन लेना है उनको बोल देता हूँ कि आप मिनिमम 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए. ऐसे तो 1 मंथ का भी अवेलेबल है, 12 मंथ का ऐसे तो 40,000 रुपीज़ फीस है, बट यूज़ माई कोड PN Live. अगर आपने मेरा कोड PN Live यूज़ किया तो द फीस विल बी रिड्यूस टू 36,000 रुपीज़. समझ में आया आपको? तो ऐसे तो 40,000 है बट इफ यू यूज़ तो आपको ये 36,000 रुपीज़ की फ़ीस हो जाएगी. सो तो आपकी जो फीस है वो कम हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, और आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो पूरा साल भर आप देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. 2 years जो जो स्टूडेंट्स 2022-2021 का प्लान कर रहे हैं 2021 ऑनवर्ड्स का, उनको मैं कहूँगा कि 2 years का सब्सक्रिप्शन लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ऐसे 64,000 रुपीज़ फीस है बट द मोमेंट यू विल यूज़ माई कोड PN Live इट विल कम टू 57,600. ठीक है, तो ये दोनों की केसेस आपको पता होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू दी अनअकैडमी प्लस. आप ऐप स्टोर के ऊपर भी जाओ, डाउनलोड कीजिए, कहीं पे भी देखो, आप तो मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी PN Live यूज़ कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, और 40,000 रुपीज़ की जो फीस है वो कम होकर 36,000 में कंक्लूड हो जाएगी. खैर, ये तो प्लस के बारे में था. हम लोग आज शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर को. मैंने
आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बताया था कि आर्ट एंड कल्चर को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आर्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में क्या क्या चीज़ें आती है याद करो तो आर्किटेक्चर आता है। आर्किटेक्चर के साथ साथ दूसरा पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, स्कल्पचर आता है। स्कल्पचर के साथ साथ अगर आप देखोगे तो थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका, वो आएगी पेंटिंग्स। हाँ, आपके अलग अलग पेंटिंग्स। और पेंटिंग्स के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो फोर्थ आर्ट आएगा वो है आपका पॉटरी। ठीक है, तो जब हम लोग विजुअल आर्ट की बात करते हैं तो विजुअल आर्ट में इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो एंशियंट इंडिया का आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं। हमने हड़प्पन आर्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हड़प्पन आर्ट, द आर्ट एंड कल्चर बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत डिटेल में किया था, होपफुली आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इंक्लूडिंग मैंने आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। हड़प्पन आर्ट ज़्यादातर ब्रिक आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था और इनके स्कल्पचर हुआ करते थे, पर इनके स्कल्पचर आपको स्टोन के और कभी कभी मेटल, मेटल में कौन सा, ब्रॉन्ज मिल जाता था, लॉस्ट वेक्स टेक्निक वाला, याद आया आपको। उसके साथ साथ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उसके साथ साथ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं। जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं, अगर आपको याद होगा तो उसका सिग्निफिकेंस ये था, इन द पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर इफ यू आर एबल टू रिकॉल, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, तो बहुत सारी हमने केव आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, हमने स्तूप आर्किटेक्चर बारे में पढ़ा था, इंक्लूडिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे मैंने आपको स्कल्पचर के बारे में भी बताया था। और कल के क्लास के अंदर हमने स्कल्पचर पढ़े थे, कौन से स्कल्पचर पढ़े थे याद करो। इनफैक्ट तो हमने स्कल्पचर पढ़ने की कोशिश की थी तो गांधार, उसके साथ साथ हमने स्कल्पचर पढ़ने की कोशिश की थी तो मथुरा स्कल्पचर, और इसके साथ साथ मैंने आपको कोशिश की थी अमरावती स्कल्पचर के बारे में। ठीक है, तो हमने ये तीनों के तीनों आर्ट फॉर्म्स और कल्चर आर्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग गुप्ता एज के बारे में देखेंगे। बाय द वे, गुप्ता एज जो आर्किटेक्चर की हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो गुप्ता एज को बहुत सारे हिस्टोरियंस गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई गुप्ता एज इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि इस दौरान इंडिया के अंदर बहुत ही बिग आर्किटेक्चर के चेंजेस होने शुरू हो गए और बहुत सारी जो केव स्तूप स्कल्पचर इंक्लूडिंग आपके जो पिलर्स थे ये भी काफ़ी सारे डेवलप होंगे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। समझ में आया आपको, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि गुप्ता एज का आर्ट एंड कल्चर क्या था। अब देखिए गुप्ता एज के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहलाया जाता है। क्यों गोल्डन पीरियड, क्योंकि इस दौरान इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बने, इंक्लूडिंग टेम्पल आर्किटेक्चर भी बनता है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे बनता है इसको लिए मैं अलग से नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ, एक पूरा का पूरा सेशन, हमारे दो या तीन सेशन टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर ही जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के क्लास के अंदर हम लोग केव स्कल्पचर और साथों साथ पिलर्स के ऊपर देखेंगे। पिलर्स मतलब जो अशोक ने बनाए थे वैसे ही पिलर्स धीरे धीरे और भी एक्सपांड होंगे। इफ यू सी, जब हम लोग गुप्ता की बात करते हैं तो आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर केव आर्किटेक्चर कंटिन्यू मिलता है, इन द गुप्ता पीरियड एज वेल द केव आर्किटेक्चर कंटिन्यू, उसके साथ साथ इनके यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर भी मिलेगा। अब टेम्पल आर्किटेक्चर की खासियत ये थी कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ही अलग प्रकार से बनता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। बट एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि गुप्ता किंग्स अगर आपको जानकारी होगी तो ये ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो वैष्णवाइट थे, देवर ऑल वैष्णवाइट। वैष्णवाइट क्यों, क्योंकि ये विष्णु को माना करते थे और इनके जितने भी टेम्पल्स थे इनके टेम्पल्स के ऊपर विष्णु का एक काफ़ी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यू विल फाइंड कि उसके बावजूद भी उन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को पेट्रोनाइज दिया, उसी को ही हम लोग कह सकते हैं उन्हें काफ़ी टॉलरेंस का कंसेप्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो उनके टेम्पल्स के अंदर अगर आप देखोगे विष्णु का प्रभाव ज़्यादा मिलेगा, इंक्लूडिंग साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो टेम्पल्स बने वहाँ पर शिवजी का प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको टेम्पल्स के अंतर्गत पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले केव आर्किटेक्चर की बात करते हैं। अब देखो केव का ओरिजिन कब हुआ था याद करो, केव का ओरिजिन हुआ था मौर्यन आर्ट में, याद आया आपको, मैं आपको पिछले क्लास के साथ रिवाइज करा रहा हूँ। मौर्यन एज में जो केव बने थे, दो प्रकार के केव बने थे, कौन से थे, बार्बर केव्स जो अशोक ने बनाए थे, और दूसरे कौन से थे, नागार्जुनी केव्स, याद आया आपको। नागार्जुनी और बार्बर केव्स के बारे में आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा दिया है, प्रीवियस वीडियो देख के आइएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था पोस्ट मौर्यन इंडिया में। पोस्ट मौर्यन इंडिया का मतलब क्या है, अगर आपको याद होगा हमने जो टाइमलाइन पढ़ी थी टाइमलाइन के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, और हमने शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने जो दूसरा पढ़ा था वो था मौर्यस। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE के आसपास शुरू हुआ था और ये कंटिन्यू रहता है अप टिल 1900 BCE तक आते आते या 1700 BCE तक आते आते, गेटिंग माय पॉइंट ऑन। उसके बाद दूसरी जो डायनेस्टी थी मौर्यस डायनेस्टी।
मॉरियस के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की थी, 325 से लेके 185 BC तक का जो पीरियड है वो आपका मौर्य डायनेस्टी का था। उसके बाद हमने पोस्ट मौर्यन पढ़ा था, पोस्ट मौर्यन कब था, तो पोस्ट मौर्यन जो था वो इस दौरान था, कब था, तो 185 BC से लेके 185 BC से लेके ये बीच में जीरो आ जाता है। जीरो क्यों, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का समय हो चुका था, और वहाँ से इस साइड थोड़ा हम लोग निकलेंगे और फिर यहाँ तक चलेगा, करीबन कब तक चलेगा, 200 CE तक का पीरियड क्या है, तो आपके जीरो के इस साइड वाला। और उसके बाद हमने 300 CE ऑनवर्ड से हम लोग गुप्ता एज को पढ़ते हैं। तो अभी जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं वो 300 से लेके 550, और मैं कहूँगा 550 से लेके 700 तक का जो पीरियड था, इस दौरान आपका गुप्ता एज के आजू बाजू वाले पीरियड में आर्किटेक्चर क्या डेवलप हुआ, इस दौरान आपके टेम्पल्स, इस दौरान आपके स्तूप, इस दौरान आपके पिलर्स, इस दौरान आपके केव आर्किटेक्चर कैसे बने, उसको समझ रहे हैं। अब केव की बात करते हैं, तो पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर में, मौर्यस में तो मैंने आपको बताया कि कौन से केव बने, बार्बर और नागार्जुनी। पोस्ट मौर्यन में किसने बनाए थे केव आर्किटेक्चर, अगर आप याद करोगे तो उदयगिरी के साथ साथ मैंने आपको दूसरी बताई थी खंडगिरी, याद आया आपको खंडगिरी, हाँ, गेटिंग माय पॉइंट और इंक्लूडिंग आपको इस दौरान जो अभी इस टाइम पे गुप्ता एज तक आते आते जो फर्दर एक्सपांशन आपको मिलेगा, एक तो अजंटा केव्स हमने पोस्ट मौर्य में पढ़ा था और कार्ले केव्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग जो गुप्ता एज की बात करेंगे तो गुप्ता एज में आपको मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफ केव आर्किटेक्चर मिलेगा। मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफ केव आर्किटेक्चर के अंदर मेन केव्स जो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता का मतलब क्या है, तो मैंने आपको टाइम फ्रेम अभी बताया, आई हैव जस्ट मेड यू रियलाइज द टाइम फ्रेम, मैंने आपको अभी टाइम फ्रेम बताने की कोशिश की। 750 के बाद वाला जो पीरियड है उस दौरान भी आपके जो केव्स बनेंगे अजंटा के अंदर बनते हैं। दूसरे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको नासिक के केव्स मिलेंगे इस दौरान, इंक्लूडिंग आपको जूनागढ़ के केव्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग आपको जो 750 के आसपास का टाइम था वहां पे इलोरा के केव्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे गुप्ता एज के आजू बाजू के पीरियड में जो फर्दर केव्स आपको मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे बाघ के केव्स कहाँ पे आए, एमपी के अंदर। दिस आर द प्राइम केव्स विच डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और केव आर्किटेक्चर के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि जो केव्स थी वो केव्स का सिग्निफिकेंस क्या था, तो केव्स का सिग्निफिकेंस था वो था रिलीजन। और केव्स के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि केव्स दो प्रकार से बनते थे, एक तो चैत्य के रूप में अगर आपको याद होगा, और दूसरा कौन सा था, विहार के रूप में, याद आया बेटा आपको, द केव्स वर बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चैत्यस एंड द विहार, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग जब केव आर्किटेक्चर को गुप्ता एज के अंदर देखते हैं, जब हम लोग केव आर्किटेक्चर को, तो गुप्ता एज तक आते आते केव के अंदर स्कल्पचर्स तो बने, केव के अंदर स्कल्पचर्स तो बनते हैं। स्कल्पचर्स का मतलब क्या है कि जो मूर्तियां हैं वो तो बननी शुरू ही होगी, वो तो चलती रहेगी विद इन केव के अंदर, बट केव के अंदर पेंटिंग्स भी बनना शुरू हो गए। अब देखो पेंटिंग्स का बहुत ही बड़ा एक सिग्निफिकेंस उभर के आया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स इन द गुप्ता केव्स एंड मेनी अदर केव्स विच वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, गेटिंग अ पॉइंट। और ये जो पेंटिंग्स थे वो म्यूरल पेंटिंग्स थे। म्यूरल समझ में आता है, व्हाट डू मीन बाय म्यूरल, म्यूरल आपके वॉल पेंटिंग्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर करते हैं। दिस पेंटिंग इज डन ऑन द वॉल सरफेस, अ बिग वॉल सरफेस, उसके ऊपर ये पेंटिंग्स को बनाया जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूरल आर्ट, तो पेंटिंग जनरली दो प्रकार से होता है, एक होता है मिनिएचर पेंटिंग, क्या होता है, मिनिएचर पेंटिंग। और एंशियंट इंडिया में ज्यादातर अगर आप देखोगे मेजोरिटी आपको जो पेंटिंग्स मिले वो कैसे बने हैं, वो म्यूरल पेंटिंग्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, हाउ विल यू सी, एंड गुप्ता के अंदर आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले अजंटा केव्स की बात करते हैं। अब देखिए अजंटा की बात करते हैं, तो अजंटा की ओरिजिन कब हुई थी, सातवाहन डायनेस्टी के दौरान, याद आया आपको, द ओरिजिन ऑफ द अजंटा केव्स स्टार्टेड इन द सातवाहन डायनेस्टी, द ओरिजिन ऑफ द अजंटा केव्स स्टार्टेड इन द सातवाहन डायनेस्टी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अलग अलग डिफरेंट डायनेस्टीज पावर के ऊपर आई, वो सबके सब ने अजंटा की केव्स को बनाया था। ऑल द डिफरेंट डायनेस्टीज दैट केम टू पावर, उन सब ने अजंटा की केव्स को बनाया था। अजंटा के अंदर टोटल 29 केव्स है, कितनी है, 29 केव्स है। एंड इफ यू गो टू अजंटा, अजंटा की केव्स लोकेटेड है वाघोरा रिवर के बैंक के ऊपर, कहां पे है बेटा, तो इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ वाघोरा,
और वाघोरा रिवर के बैंक के ऊपर आपको अजंता की केव्स मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केव नंबर वन है, और यहाँ से धीरे 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 अगर जाओगे तो आपको केव नंबर 29 मिलेगी, समझे आप लोग। तो इस तरह से आपको सी शेप केव मिलेगी। और ये अजंता केव्स की खासियत ये है कि दे आर ऑल बुद्धिस्ट केव्स। गुप्ता एज में अजंता के केव्स बहुत बने और ये बुद्धिस्ट केव्स के रूप में आगे बनते हैं। तो बनाया था तो सातवाहन ने, पर 29 के 29 गुफाएं एक ही राजा नहीं बनाएगा, देर विल बी मल्टीपल किंग्स विल बी मेकिंग द अजंता केव्स। पहला पॉइंट याद रहेगा आपको। ये अजंता केव्स के बारे में आपके चाइनीज ट्रैवलर फाहयान और ह्यूएन सांग ने भी मेंशन किया हुआ है। फाहयान और ह्यूएन सांग ने अपनी दो बुक्स लिखी थी, इन दोनों की बुक्स के अंदर अजंता के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। और उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे अजंता करके एक जगह है, वहाँ पे केव्स बनी है और उसके अंदर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स और बुद्धिस्ट पेंटिंग्स भी बने हैं। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स और बुद्धिस्ट पेंटिंग्स भी बने हैं। याद रखेगा कि अजंता में 29 केव्स है, उसमें से 4 चैत्य है और 25 विहार है। क्या है? देर आर 4 चैत्यस एंड 25 विहार। अब व्हाट डू यू मीन बाय चैत्य एंड विहार? तो चैत्य यूज्ड टू बी द प्लेस ऑफ वर्शिप, विहार वॉज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस जहां पे मॉन्क रहा करते थे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और अजंता के अंदर मैंने आपको बता दिया कि म्यूरल्स, बुद्धिज्म को जुड़े हुए सब घटनाएं और स्कल्पचर्स मिलेंगे। अब देखिए कि जहां जहां म्यूरल्स के अंदर, म्यूरल्स मतलब जो पेंटिंग्स मिले हैं, बड़े बड़े वॉल पेंटिंग्स, वहां पे बुद्धिज्म की इमेजेस मिलती है। और जहां पे बुद्ध का फोटो दिखेगा, जहां पे बुद्ध का फोटो दिखेगा, जहां पे बुद्ध की इमेज दिखेगी, उसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? द प्लेस वेयर वी फाइंड द इमेज ऑफ बुद्धा, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इट बिलोंग्स टू द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, समझ में आया? महायान और हीनयान के बीच में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। हाँ, मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे स्कल्पचर भी मिलते हैं। अजंता के अंदर क्या क्या पेंटिंग्स मिले हैं याद रखेगा। अजंता में आप देखेगा तो 2-3 पेंटिंग्स बहुत फेमस है। एक तो है डाइंग प्रिंसेस, बाय द वे दिस पेंटिंग इज डाइंग प्रिंसेस ओनली। दूसरा एक पेंटिंग है फ्लाइंग अप्सरा। अब ये सब पेंटिंग बुद्धिस्ट पेंटिंग है, बुद्धिस्ट पेंटिंग है, तो दे आर मेनली टेकन फ्रॉम द जातक स्टोरीज। दे आर मेनली टेकन फ्रॉम व्हाट? जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज याद आया बेटा आपको? व्हाट डू मीन बाय जातक स्टोरीज? मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था जातक स्टोरीज का क्या सिग्निफिकेंस था, याद आया कि नहीं है आपको? ठीक है, ये जो पेंटिंग्स बनाए जाते थे, ये पेंटिंग्स की जो डिटेलिंग की जाती थी, वो टेक्निक को हम लोग कहते हैं फ्रेस्को। द टेक्निक विच इज यूज टू पेंट द सर्फेस इज नोन एज फ्रेस्को। ये फ्रेस्को कैसे बनता है उसके ऊपर बहुत एक डिटेल्ड प्रोसेस होती है, बट सामान्य रूप से मैं आपको कह सकता हूँ जनरलाइज्ड करके कि द फ्रेस्को आर्ट इज मेड वाया द मॉइस्ट सरफेस। और आपका जो वॉल होगा, वो वॉल का सरफेस एकदम गीला होगा, इट विल बी वेट, इट विल बी मॉइस्ट, और वेट सरफेस के ऊपर कलर को अप्लाई किया जाता है। सो ऑन द वेट सरफेस व्हेन द कलर इज अप्लाइड, तो आपका जो सरफेस ड्राई नहीं हुआ है उसके कारण आपको दाने दाने दिखेंगे। दाने दाने समझ में आता है? यू विल फाइंड स्मॉल 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 सॉलिड टेक्सचर। और इसी के कारण जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपको टेक्सचर इमेजेस मिलती है, आपको टेक्सचर इमेजेस मिलती है एज अ पार्ट ऑफ द गुप्ता एज एंड आई वुड से फ्रेस्को पेंटिंग्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग जब फ्रेस्को की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आपको फ्रेस्को के अंदर ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ। ये गुप्ता के दौरान गुप्ता राजाओं ने खुद नहीं बनाए थे, बट उनके सामंत हुआ करते थे वाकाटका। वाकाटका वर दी आई वुड से द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। उन्होंने ये इसको बनाने की कोशिश की थी। कहते हैं कि ये जो जितने भी फ्रेस्को बने उनके अंदर ब्लू कलर कभी नहीं यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर एक ऐसा है जो नेचुरली अवेलेबल कलर नहीं है। ब्लू को आप नेचुरली उस टाइम पे नहीं मिल पाता था फ्रॉम दी वेजिटेबल और फ्रॉम एनी अदर नेचुरल सोर्सेज, गेटिंग माय पॉइंट। और आउटलाइन का कलर डायरेक्टली अप्लाई करके इसके ऊपर ये पेंटिंग्स किए जाते थे। बहुत ही फेमस पेंटिंग्स है डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अप्सरा। एक और गुप्ता एज के अंदर अजंता का पेंटिंग मिला है, वो है पद्मपाणि का पेंटिंग। किसका है बेटा? पद्मपाणि। अब हु वॉज पद्मपाणि बाय द वे? तो मैं कहूंगा कि आप मेरा प्रीवियस क्लास देखिएगा, मैंने आपको मथुरा आर्ट के अंदर पद्मपाणि के बारे में थोड़ा बहुत बताया था।
और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि भाई ये पद्मपाणि नाम के इंसान कौन है, ठीक है। तो पद्मपाणि का पेंटिंग बहुत फेमस है जो अजंटा के अंदर मिला है। अजंटा में आपको स्कल्पचर्स भी मिले हैं, और ये स्कल्पचर्स में अगर आप देखेगा तो अजंटा में 29 केव्स है, उसमें से एक केव है केव नंबर 26। अजंटा में टोटल 29 केव्स है, उसमें से एक केव है जिसका नाम है केव नंबर 26। ये केव नंबर 26 के अंदर, ये केव नंबर 26 के अंदर आपको बुद्ध की इमेज मिली है। वी फाइंड द इमेज ऑफ बुद्धा, और ये बुद्ध की इमेज हमको महापरिनिर्वाण के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है? महापरिनिर्वाण। अब व्हाट डू यू मीन बाय महापरिनिर्वाण? तो इट शोज द डेथ ऑफ बुद्धा। अब क्यों इसको डेथ कहते हैं, उसके पीछे का कारण है। बुद्धा को जब निर्वाण मिला, अगर आपको जानकारी होगी, सिद्धार्थ गौतम की स्टोरी ऐसी है कि वो राजा हुआ करते थे, वो अपना सोशल और वर्ल्डली लाइफ छोड़ देते हैं एट द एज ऑफ 29, एंड एट द एज ऑफ 35 ही विल गेट एनलाइटनमेंट। अगर आपको जानकारी होगी, उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। सो वंस ही अचीव्ड एनलाइटनमेंट, इट इज सेड दैट इवेंट इन हिज लाइफ इज कॉल्ड एज निर्वाण। ही हैज रियलाइज्ड द ट्रूथ ऑफ लाइफ। When Buddha passed away, जब उनका मृत्यु हो गया, that event is known as महापरिनिर्वाण। And this महापरिनिर्वाण in this case is showed via a sleeping image of Buddha, And if you can see the images, you can find Buddha with a curly hair, and you will find the facial expressions of Buddha are resembling to the गांधार आर्ट। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर गांधार आर्ट के बारे में पढ़ाया था बेटा, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, याद आया आपको? तो उसके साथ रिजेंबल कर रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि अजंटा में गांधार आर्ट का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली है, पर थोड़ा बहुत उसके जैसा लग रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा उसको कि नंबर 26 में बुद्ध ऐसे सोए हुए हैं, मतलब उनका डेथ हो गया है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। देयर इज वन मोर स्टोरी ऑफ अ नगा किंग। ये नगा डायनेस्टी कहां हुआ करती थी? सेंट्रल इंडिया के अंदर। उनकी एक आपको स्कल्पचर मिलती है इन द केव नंबर 19, याद रखेगा ये दोनों केव्स को, ठीक है। अजंटा के बारे में इतना रखते हैं, और भी डिटेल में कराऊंगा, एक घंटे का सेशन लग जाएगा पूरा अजंटा को लेके, इतना तो इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। चलिए, अजंटा के बाद दूसरी केव्स उस दौरान जो बनी वो थी कौन सी? इलोरा केव्स। इलोरा केव्स जो डायनेस्टी ने बनाई थी वो थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये राष्ट्रकूट कब हुआ करते थे? तो देवर पार्ट ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया, और कहते हैं कि इन्होंने बिटवीन द पीरियड ऑफ 750 टू 1000 के बीच में मालखेड़ नाम की जगह है जो आज के महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में आई हुई है, वहां से रूल किया था। ये इलोरा केव्स के खासियत राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनाई, और इनकी खासियत ये थी कि इनके अंदर टोटल 34 केव्स बनती है। कितनी? 34 केव्स बनती है। और ये 34 केव्स की खासियत ये थी कि केव नंबर 1 to 12, जैसे अजंटा के अंदर जितनी भी केव्स थी वो सब बुद्धिस्ट केव हुआ करती थी, इनके दौरान सब बुद्धिस्ट केव्स नहीं मिलेगी। इनके दौरान केव नंबर 1 to 12 अगर आप देखोगे तो आपको बुद्धिस्ट केव्स मिलेगी, केव नंबर 13 to 29 अगर आप देखोगे तो आपको हिंदू केव्स मिलेगी, केव नंबर 30 to 34 आपको जैन केव्स मिलेगी। और जैन के अंदर भी दो संप्रदाय बन गए थे। अगर आपको जानकारी होगी कि जैनिज्म हैड टू सेक्ट, वन वॉज द श्वेतांबर सेक्ट एंड द सेकेंड वन वॉज द दिगंबर सेक्ट। अगर आपको जानकारी होगी तो एज अ पार्ट ऑफ जैनिज्म ये दोनों के दोनों संप्रदाय श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये दोनों के दोनों संप्रदाय थे। इनके बीच में बहुत डिफरेंस है। इलोरा में जो केव्स मिली है वो दिगंबर सेक्ट की मिली है। अब दिगंबर के जो फॉलोअर्स थे वो सब बेसिकली, अगर आपको जानकारी होगी तो, भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे। भद्रबाहु जैन सेंट हुआ करते थे। अब देखिए ये केव्स क्या दर्शाती है? ये केव्स दर्शाती है कि द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द राष्ट्रकूट किंग, क्योंकि इन्होंने कोई एक रिलीजन को ना फोकस में रखते हुए जितने भी रिलीजन थे उन सब की केव्स को स्वीकारा है, समझे आप लोग? तो राष्ट्रकूट केव्स आपको याद रहेगी इलोरा केव्स के अंदर। अब एक एक करके ये केव्स के अंदर हमको क्या मिला है उसके बारे में भी बता देता हूँ। अब टोटल इलोरा के अंदर 34 केव्स है,
ये 34 की 34 केव्स को हम लोग अगर रट्टा मारने गएंगे तो पगला जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट केव्स की जो खासियत है वो आपको समझा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट केव्स का मतलब क्या है कि कुछ कुछ केव्स से हमको क्या क्या चीज़ें मिली है वो सब आपको समझा देता हूँ। जैसे केव नंबर 10 जो है, अगर आप देख पा रहे होंगे, केव नंबर 10 जो है वो बुद्धिस्ट चैत्य है, और ये बुद्धिस्ट चैत्य अगर आपको जानकारी होगी तो उसे बहुत सारे लोग विश्वकर्मा केव भी कहते हैं। ये विश्वकर्मा केव, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो विश्वकर्मा करके जो कम्युनिटी है वो इनफैक्ट कारपेंटर कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। विश्वकर्मा उनको कहा जाता है कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने ये वर्ल्ड का सर्जन किया था, भगवान है इनफैक्ट। ओके, ये है बुद्धिस्ट केव, ये है बुद्धिस्ट केव, पर इसका नाम विश्वकर्मा है। इट्स एन आयरनी, आपको बहुत एंटीथीसिस मिलेगा कि है बुद्धिस्ट केव, अब क्यों ये बुद्धिस्ट केव को विश्वकर्मा कहा गया है? तो उसके पीछे का कारण है कि ये जो नाम है, इसका जो नेम है, द नेम हैज बीन गिवन बाय द मैंगो पीपल। मैंगो पीपल का मतलब क्या है? कॉमन मैन, समझे आप लोग? तो कॉमन मैन ने एज अ पार्ट ऑफ फोक स्टोरी, एज अ पार्ट ऑफ द फोक कल्चर, इसका नाम विश्वकर्मा दे दिया है। बट इसके अंदर आपको बुद्ध मिलते हैं, और बुद्ध आपको कौन सी मुद्रा में मिलते हैं? व्याख्यान मुद्रा के अंदर बुद्ध मिलते हैं। अब व्याख्यान मुद्रा क्या है, इफ यू सी, तो मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। दिस इज द व्याख्यान मुद्रा, इफ यू कैन सी ओवर हियर, बुद्ध अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये केव का ही फोटोग्राफ है, एंड उनकी जो हाथ है उसके अंदर आपको इस प्रकार की चीजें मिलेगी। ये व्याख्यान समझ में आता है, ही वॉज एड्रेसिंग द फॉलोअर्स, और इसी के कारण बुद्ध को व्याख्यान मुद्रा के अंदर दिखाया गया है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि मथुरा के अंदर जो बुद्ध मिले हैं वो कैसे मिले हैं? अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा का मतलब क्या है कि इस वाली मुद्रा है। व्याख्यान मुद्रा अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक हाथ यूं है और एक हाथ यूं है उनका, वो एक मुद्रा है। उसके लिए ऐसा होगा तो मैं अलग से क्लास ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, या आप मेरे साथ जुड़िएगा, मैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर वो प्लस के ऊपर पढ़ाऊंगा, तो वहां पे तो पूरी हर एक मुद्रा के ऊपर से क्वेश्चन आता है। मेनी टाइम्स हैव सीन द यूपीएससी विल बी आस्किंग द क्वेश्चन कि ये मुद्रा का सिग्निफिकेंस क्या है, ये ऐसी मुद्रा बनी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक ऐसी मुद्रा बनती है कभी कभी इनफैक्ट, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग ऑन द क्वेश्चंस ऑन द मुद्रास एज वेल, गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ये आपको इलोरा केव के बारे में पता होनी चाहिए, व्याख्यान मुद्रा कौन सी केव के अंदर से मिला है, केव नंबर 10, समझे आप लोग? उसके बाद ये 12, 1 से 12 जो है आपकी बुद्धिस्ट केव थी, इसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद केव नंबर 14, अब केव नंबर 14 अगर आप देखोगे तो केव नंबर 13 से लेके केव नंबर 29 तक जो भी केव्स है वो कैसी है? हिंदू केव्स है। तो उसमें केव नंबर 14 है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रावण की खाई। तो आपको पूछेगा व्हाट, वेयर इज रावण की खाई लोकेटेड, तो याद रखेगा रावण की खाई इज लोकेटेड इन द इलोरा रीजन। उसके बाद केव नंबर 15 जो है, केव नंबर 15 जो है, इट इज नोन एज द दशवतार टेम्पल, इट इज नोन एज द दशवतार टेम्पल। दशवतार अगर आपको जानकारी होगी तो हम लोग विष्णु के अवतार को देखते हैं, वी सी 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु इन द दशवतार, और इसी के साथ ये जुड़ा हुआ टॉपिक है, समझ में आ रहा है आपको? तो विष्णु के जितने भी 10 इनकारनेशंस है उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक को दशवतार के रूप में हम लोग पहचानते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? इंक्लूडिंग केव नंबर 16 जो है, केव नंबर 16 जो है वहाँ पे एक कैलाश टेम्पल आया हुआ है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से मॉन्यूमेंट इन इलोरा। इफ यू कैन सी द कैलाश टेम्पल, इफ यू कैन सी द कैलाश टेम्पल, आप लोग को होपफुली दिख रहा होगा, मैं ज़ूम करता हूँ। और ये कैलाश टेम्पल की खासियत क्या है, ये कैलाश टेम्पल की खासियत क्या है, तो इसकी मैं आउटलाइन बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टेम्पल जो है, ये टेम्पल कैसा दिखता है। ये टेम्पल की खासियत ये है कि ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब समझ में आता है? दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक। एक बड़ी सी पहाड़ी थी, इट वॉज अ बिग माउंटेन, और ये माउंटेन को कार्व आउट करने के बाद उसके अंदर कुछ इस प्रकार का मंदिर बनाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक माउंटेन था, रुको जस्ट अ सेकेंड, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक बड़ा सा पहाड़ी था, वो माउंटेन को कार्विंग करने के बाद उसका जो शेप है वो शेप को इस तरह से देने की कोशिश की गई है, गेटिंग माय पॉइंट? और ये चीज दर्शाती है, दिस थिंग शोज द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ द पर्सन्स, दिस थिंग शोज द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ द पर्सन्स
जो उस दौरान इंडिया के अंदर ये सब बनाया करते थे। आप समझने की कोशिश करो कि द माउंटेन वो भी ऊपर से बनाया हुआ है। ऊपर का मतलब क्या है कि इट वॉज नॉट कार्व्ड फ्रॉम द बॉटम, इट वॉज कार्व्ड फ्रॉम द टॉप। इट इज फंटास्टिक टू वॉच। ये इतना मतलब वो है ना, बेहतरीन है। मैं कहूंगा कि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर दैट यू कैन फाइंड इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द इलोरा आर्किटेक्चर। एंड दिस कैलाश टेम्पल हैज बिन बिल्ट बाय द किंग कॉल्ड एज कृष्णा। ये कैलाश टेम्पल जो राजा है उसके राजा का नाम क्या है, कृष्णा करके किंग है। ये कृष्णा करके जो किंग है ये कैलाश टेम्पल को बनाएगा, समझे आप लोग। तो इतना पॉइंट आपको इलोरा के अंदर पता होना चाहिए। कैलाश टेम्पल वन ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल, और ये आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाय द वे इंडिया की करेंसी नोट के ऊपर ये टेम्पल आया है, इंडिया की एक करेंसी नोट के ऊपर एक टेम्पल आया हुआ है। मुझे बताइएगा कि ये कौन सी करेंसी के नोट के ऊपर आया हुआ है ये टेम्पल, अभी फोटोग्राफ के अंदर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इलोरा के अंदर आपको मिलता है। आज हम लोग अजंता इलोरा को ही फोकस करेंगे मेनली, क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक बन चुके हैं, ठीक है। तो यू विल फाइंड यहाँ पे एक और मॉन्यूमेंट मिला है जिसे हम लोग कहते हैं रावण शेकिंग कैलाश। क्या कहते हैं? रावण शेकिंग कैलाश। अब रावण शेकिंग कैलाश अगर आपको जानकारी होगी तो ये मॉन्यूमेंट है आपको। बाय द वे यहाँ पे रावण को दिखाया गया है, ऊपर शिव और पार्वती है, और रावण यूं यूं करके पहाड़ी को हिला रहा है। दिस इज वेरी फेमस। व्हाई? बिकॉज रावण वाज अ वर्शिपर ऑफ शिवा। इनफैक्ट रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, और शिवजी कहाँ रहते थे? कैलाश माउंटेन्स के अंदर, और इसी के कारण मानसरोवर, ठीक है, आज भी हम लोग यात्रा के लिए जाते हैं। हाँ, गेडी मा पॉइंट। तो इसी के कारण ये रावण शेकिंग कैलाश का आपको इमेज वहाँ पे मिलेगा इलोरा के अंदर, गेडी मा पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। बाय द वे रावण शेकिंग कैलाश जो है उसकी एक और सेम इमेज आपको कहीं और भी मिलती है। द अदर केव वेर वी फाइंड द रावण शेकिंग कैलाश, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कहाँ पे आया हुआ है द अदर केव वेर द रावण शेकिंग कैलाश इज फाउंड। ओके, मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई वॉन्ट यू कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखें, इंक्लूडिंग यहाँ पे और दो केव्स है। एक का नाम है दुमार केव्स, दिख रहा है आपको दुमार केव्स, दैट इज केव नंबर 29। एंड देर इज वन मोर केव नंबर 21 जिसका नाम है रामेश्वर टेम्पल। क्या नाम है? रामेश्वर टेम्पल। तो आपको पूछ देगा रामेश्वर टेम्पल कहाँ पे आया, रावण शेकिंग कैलाश कहाँ पे आया, विश्वकर्मा केव कौन सी है, गेटिंग माय पॉइंट नॉट। और एक जैन केव है, दो जैन केव है, ऐसे तो पांच है मैंने आपको बताया जो दिगंबर कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है, बट यू विल फाइंड कि ये दो जैन केव बहुत फेमस है। एक का नाम है इंद्रसभा। क्या नाम है? इंद्रसभा, जो केव नंबर 32 के अंदर मिली। और दूसरा है जगन्नाथ सभा, दूसरे का नाम है जगन्नाथ सभा, जो केव नंबर 33 के अंदर से मिलती है। ये दोनों की दोनों आपको पॉइंट पता होने चाहिए। इंद्रसभा और जगन्नाथ सभा कहाँ पे आया है ये भी कभी कभी पूछ सकता है आपको। देखो नाम है जैन केव बट आपको मिलती कहाँ पे है। इस तरह से आपको अजंता और इलोरा केव्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अजंता एंड इलोरा केव्स। इनफैक्ट बोथ आर नियर टू ईच अदर, बोथ आर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बट द फंडामेंटल डिफरेंस इज कि बोथ वर बिल्ट बाय डिफरेंट किंग्स। अजंता केव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको मल्टीपल डायनेस्टीज मिलेगी। मल्टीपल डायनेस्टीज का मतलब क्या है कि बहुत सारी डायनेस्टीज इसको बनाती है। जब हम लोग इलोरा केव्स की बात करते हैं तो वो इलोरा केव्स आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टी ही बनाएगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों डिफरेंस पता होने चाहिए। एक और सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में क्या है, बोथ आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस के रूप में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको केव आर्किटेक्चर बिटवीन अजंता एंड इलोरा के बारे में पता होना चाहिए। आज हम लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग अजंता और इलोरा के ऊपर ही फोकस किए करते हैं, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो आगे वाला केव आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का पार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा केव आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा और स्कल्पचर का पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर भी चलेंगे, ठीक है। तो आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। स्कल्पचर और आपकी जो मुद्राएं हैं वो कैसे बनती है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको ये सेशन फ्रूटफुल लग रहे होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड डेफिनेटली हमको बताइएगा कि आपको
इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वी विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन योर फीडबैक एज वेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी मिल जाएगा। और जिन जिन स्टूडेंट्स को प्लस के ऊपर आना है, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो PN Live, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस कोड वाइल यूजिंग। ओके, आर्ट एंड कल्चर यहाँ करा रहा हूँ, उससे और एडवांस वे में हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि ये बेसिक्स है, ये तो पता होना चाहिए। इसके मैं ट्राई करूँगा कि आपको मॉक क्वेश्चंस भी देना शुरू करूँ ऑन द वीकेंड। ठीक है, आज कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।